हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर उस्मान आप सबका डॉक्टर उस्मान एडुट्रेंस में इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली अपना ख्याल रख रहे होंगे और घर पर सेफ होंगे। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, कोविड-19 कोरोना वायरस की बीमारी हर तरफ फैल चुकी है और दूसरी वेव में हमने देखा है कि कई सारी जाने जा चुकी है। इस बीमारी से बचने के लिए हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाना होगा और इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए हमें कई सारी स्ट्रैटेजीज को अपनाना होगा, जिनमें से वैक्सीनेशन एक ऑप्शन है। दोस्तों, क्या होती है वैक्सीन्स? वैक्सीन्स दरअसल ऐसी मेडिसिनल प्रिपरेशंस होती हैं जिनमें वही पैथोजन या बैक्टीरिया या वायरस या जर्म का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से बीमारी होती है, वहां वो पैथोजन को अधमरा या इनएक्टिवेट कर दिया जाता है। वैक्सीन्स हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर काम करने में मदद करती हैं। ये हमें ऐसी बीमारियों से बचा सकती है जो हमें इसके लेने से पहले जानलेवा हो सकती है। हमारा इम्यून सिस्टम सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गेन्स का बना हुआ एक नेटवर्क होता है जो मिलकर हमारे शरीर को बाहरी पैथोजन या बैक्टीरिया या वायरस से बचाता है। जब कभी ये बाहरी पैथोजन हमारे शरीर में आकर मल्टीप्लाई होकर हमारे शरीर पर अटैक करता है, जिसको हम इन्फेक्शन कहते हैं, तब ये इन्फेक्शन हमें बीमार कर देता है। हमारा इम्यून सिस्टम हमारे शरीर पर हमेशा नजर बनाए रखता है और जब कभी भी कोई बाहरी पैथोजन हमारे शरीर पर अटैक करता है, तब ये इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और हमें उस इन्फेक्शन से बचाता है, जिसको हम इम्यून रेस्पॉन्स कहते हैं। एक्टिवेट होते ही हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाने लगता है। ये एंटीबॉडीज उस बाहरी बैक्टीरिया या पैथोजन या जर्म पर अटैक करते हैं और उसे कमजोर करके खत्म कर देते हैं। इसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम उन पैथोजन्स को काफी वक्त तक याद रखता है और अगर आगे चल के यही पैथोजन अगर फिर से इन्फेक्शन पैदा करता है तो वही एंटीबॉडीज को हमारा इम्यून सिस्टम फिर से बनाता है और हमें उस बीमारी से बचाता है, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी कभी कभी इंसान में पूरी जिंदगी रह जाती है और या तो फिर कुछ दिन तक ही रह जाती है। यह एक इंसान से दूसरे इंसान के इम्यून सिस्टम पर डिपेंड करता है, क्योंकि कभी कभी बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया, वायरसेस या जर्म्स बहुत ताकतवर होते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम उनसे लड़ने में नाकाम साबित होता है। वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को इन्फेक्शन पैदा करने वाले बाहरी बैक्टीरिया वायरस से लड़ने में बहुत मदद करती हैं। जब इन्हीं की तरह एक्चुअल पैथोजन या बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया या वायरस इन्फेक्शन पैदा करते हैं, तब ये उन्हीं की तरह बनकर उनको रोकता है। वैक्सीन्स हमें इम्यूनिटी के साथ साथ जानलेवा बीमारियों से भी बचने में मदद करती है। अगर हम और हमारी फैमिलीज वैक्सीन्स को लेते हैं तो हम इन्फेक्शन के होने से और इसको फैलाने से बच जाते हैं, जिसकी वजह से कम्युनिटी यानी हमारे आसपास के लोग उस वायरस से इन्फेक्ट नहीं होते। इस तरह की इम्यूनिटी को कम्युनिटी या हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। वैक्सीन्स को लेने से हम अपने आप को, अपनी फैमिली को और अपनी कम्युनिटी को जानलेवा बीमारियों से बचा सकते हैं, खास तौर से उनको बचा सकते हैं जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और जिनको एलर्जी की शिकायत होती है।